सुनो ना डार्लिंग, आपको पता आज हमारी सालगिरह है। अरे मालूम है मेरे को। आज खाना घर नहीं बनाऊंगी मैं, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। अरे रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत है यार, बोलो क्या खाना है, यहीं ऑर्डर कर देते हैं, दोनों प्यार से बैठ के खाएंगे। अरे रेस्टोरेंट में बहुत लोग होते हैं, मजा नहीं आएगा। ओके डार्लिंग, आप ना ऐसे करना, अपनी चॉइस का खाना ऑर्डर कर देना। ठीक है मैं ऑर्डर करता हूँ। अरे सुनो, आज ना घर टाइम से आ जाना, कभी मेरे साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया करो। हाँ हाँ आ रहा हूँ बस। मैं वेट करूँगी। बाय बाय। हेलो, एक खाने का ऑर्डर बुक करना। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। सेम टू यू। अरे आपने खाना ऑर्डर कर दिया था? अरे कर दिया था बाबा, शायद आने वाला होना। अरे शायद वो आ गया, देखना जाकर। ओके मैं देखती हूँ। हाँ देखो देखो। Yes. मैडम आपका ऑर्डर। अंजलि तुम? विक्की तुम? आपका ऑर्डर लेके आया था मैडम। शट अप विक्की, अब मैं अंजलि नहीं, तुम मुझे मैडम कह के बुलाया करो। और यहाँ किस बहाने से आए हो? बहाना नहीं मैडम, नौकरी करता हूँ, डिलीवरी बॉय हूँ मैं, इस नौकरी के चक्कर में तो तुम मुझे छोड़ के गई थी। शट अप। क्या बात है अंजलि, क्या चाहिए तेरे को? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो अपनी डिलीवरी के पैसे लेने आया हूँ। मेरे पास छुट्टे नहीं है, आपके पास है? हाँ मैं देता हूँ। कितने हुए? 200 हो गए सर। ये लो और जाओ। आओ बिल्कुल नहीं बदली, उतना ही झूठ बोलती है जितना पहले बोलती थी। वाह री किस्मत, वाह ऐसे खुलते किस्मत के दरवाजे। लव यू रबजी। हो सकता है दरवाजा मेरे लिए खोला हो। गुड मॉर्निंग मैडम। विक्की तुम यहाँ क्या लेने आए हो? नंबर देने आया हूँ मैडम आपको। ये नंबर है मेरा, कॉल कर लेना, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। विक्की प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अगर इनको शक हो गया ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे मैं भी तो बर्बाद हो चुका हूँ तेरे इश्क में। आई लव यू अंजलि।
पागल हो तुम? हाँ पागल हूँ मैं। विक्की, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, मैं करूँगी कॉल, तुम जाओ यहाँ से, जाओ तुम। कॉल कर लेना। हाँ हाँ करूँगी। अंजलि, अंजलि कौन है ये? अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन डिलीवरी देने आए थे, आज क्या लेने आए यहाँ? साहब मेरा आई कार्ड गुम गया था, इसलिए मैं यहाँ आया था कि शायद यहाँ ना मिल जाए। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसों को, पहले घरों की रिक्की करते हो फिर उसी घर में चोरी करते हो। वो साहब जबान संभाल के मेहनत करके खाता हूँ, आपकी तरह चोर नहीं हूँ मैं। साले चोर बोलता मेरे को? हाँ तेरी भाई। छोड़ो, हाँ, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो तुम, ये तो पागल है, छोड़ो तुम, किसके मुंह लग रहे हो? ए मैडम समझा जरा इसको। मेरे मुंह मत लगे, बहुत खतरनाक हूं मैं, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। आप भी ना बस, चलो। कौन था ये? पागल था कोई। डर बिठाने का, सच्ची मोहब्बत का डर। अरे वाह, हेलो जानेमन। हेलो, हेलो विकी। हाँ बताओ क्या काम था? उस दिन मैं तेरी वजह से चुप रहा, नहीं तो एक मिनट में साले को खत्म कर देता। एक तो मेरी अंजलि छीन ली, ऊपर से आके दिखाता है। अच्छा बाबा, उस दिन के लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। अच्छा बताओ क्या कहना था? मेरी बात सुन अंजलि, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, यही कुछ 4-5 लाख। 4-5 लाख? अरे इतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं? इतने पैसे? ये तू सोच कहाँ से लाएगी, ये मुझे नहीं पता, पैदा कर कहीं से लेके आ। मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ है ना हमारे बीच भूल जाओ, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई है, क्यों मेरा घर उजाड़ रहे हो? प्लीज तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। मुझे पैसे चाहिए, अगर मना करोगी तो तू जानती है मेरे बारे में। अच्छा मेरी बात सुनो, 1-2 लाख का इंतजाम कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? प्लीज ये पैसे ले लो, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, आगे से फोन मत करना, ठीक है? बाकी बाद में बताता हूँ। अंजलि क्या बात है, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ गुमसुम सी रहती हो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत नहीं ठीक।
अरे बीपी वगैरह चेक करा लेती? हाँ देखती हूँ, अगर कल तक कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना दूँ? अरे नहीं नहीं तुम बैठो, मैं बना के लाता हूँ। ओके ओके। क्या करूँ अब, ऐसे तो विक्की मुझे बर्बाद कर देगा। कहाँ से देंगे इतने पैसे उसे? अगर इनको पता चल गया मेरी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। हाँ मेरा भाई बल्लू, वही मुझे विक्की से बचा सकता है। बल्लू को फोन करती हूँ। बल्लू मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वो विक्की है ना, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। प्लीज बलू उसका कुछ करो, नहीं तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। डोंट वरी अंजलि, तू मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट दे, आज के बाद उसकी कभी कॉल नहीं आएगी, ये वादा है मेरा। हेलो, एक ऑर्डर नोट करो, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। ओके। मॉर्निंग सर। सर आपका ऑर्डर। गुड जॉब। नाम क्या है तुम्हारा? सर विक्की। विक्की, वेरी गुड विक्की, टाइमिंग बहुत परफेक्ट है तुम्हारी। सर थैंक यू सो मच। यार मेरा दिल कर रहा है ना कि मैं तेरे को इनाम दूँ। सर किस खुशी में? इनाम तो भाई लेना ही होगा, इनाम तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या सर? आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। क्या बात है सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे नहीं भाई, कंपनी करनी पड़ेगी, मेरे साथ सेलिब्रेट करना होगा। नहीं सर प्लीज़, मुझे और भी डिलीवरी देने जाना है। अरे भाई आ तो सही। अरे सर समझा करो प्लीज़। अरे चले जाना सर, भाई सॉरी। अरे कोई बात नहीं सर, चले जाना। रिक्वेस्ट है मेरी सर, सर प्लीज़ मुझे काम पे जाना है। मैं नाराज़ हूँ तेरे से। चलो ठीक है सर, चला जा यार। ओके सर मैं चलता हूँ, थैंक यू। अरे बैठो भाई, अपना इनाम तो लेके जा, अभी तो सेलिब्रेट भी करना है। अरे नहीं सर, मुझे और भी देखना है काम। अच्छा तेरी तो याद का पता मारो। परेशान कर रहा था, तू जानता नहीं मेरे को। अरे दीपक। हाँ जी सर। जो कल गाड़ी पकड़ी थी। हाँ जी सर। उसका क्या हुआ भाई? सर उसी की रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी सर। है डेड बॉडी, ये किसकी है? अभी पुलिस को बताता हूँ। फोन, ये किसका नंबर है? कोई नया सा नंबर मालूम होता भाई।
हेलो, थाना सिटी से बोल रहा हूँ भाई। हाँ पुलिस स्टेशन सर, मैं बाबू बोल रहा हूँ, यहाँ किसी की लाश पड़ी है। अच्छा, डेड बॉडी, कहाँ पे? पार्क रोड सर। हाँ आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, हम अभी आ रहे हैं। ओके दीपक जी। सर गाड़ी निकालो, किसी का मर्डर हो गया। चलो ठीक है सर। चलो जल्दी करो। अच्छा तो आपने देखी थी डेड बॉडी? हाँ जी जनाब, मैंने फोन किया था आपको। अरे जानते हो उसे? सर जानता हूँ उसको, वो डिलीवरी बॉय है, खाना देने आता है। अभी परसों ही नीरज बाबू के घर खाना देने आया था, वहाँ पे उनकी कहा सुनी हो गई और नीरज बाबू ने उसे धक्के मार के निकाल दिया था। अरे दीपक ऐसे करो, अरे लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और ऐसा करो मृतक की कॉल डिटेल निकालो कम से कम 10 दिन की, मुझे इमीजिएटली चाहिए अभी। ठीक है, आप ऐसा करो मुझे नंबर दो उसका। ठीक है सर। अरे नीरज बाबू का, समझे? हाँ जी ठीक है। हाँ बोलो कितना नंबर है? नीरज का नंबर है 991547486। आप जा सकते हो। ठीक है जी, अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर बुलाएंगे। ठीक है जनाब, मेरा नंबर तो आपके पास है ही है। ओके ओके ठीक है सर, शुक्रिया जी। हेलो, अरे नीरज कुमार बोल रहा है भाई? हाँ जी नीरज बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं सिटी थाना से बोल रहा हूँ, SHO गर्मी सिंह। सिटी थाने में क्या बात है सर? आप ऐसा करो जल्दी से ना थाने आ जाओ, हमें डेड बॉडी मिली है। अरे उसके शनाख्त के लिए पूछताछ करनी है भाई। हाँ ठीक है सर, अभी आ रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, अरे आपसे ये पूछना है, आप उसे जानते हो या नहीं? हाँ सर। हाँ और एक बात सुन ले मेरी, अरे जल्दी से आ जाना, नहीं फिर मुझे जानता नहीं तू। हाँ सर। हाँ ओके। नीरज बाबू जानते हो इसे? सर ये तो डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी बॉय, अरे आपने इसे 2 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी थी? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मेरी बीवी से बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसको 1-2 धक्का मारा और भगा दिया उसको, और मैंने उसको बोला दोबारा इधर नजरा मत आना। अच्छा इसका आपने मौका पाके इसका काम तमाम कर दिया? अरे नहीं नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा, जितनी भी बात थी मैंने आपको बता दी। अरे हर कातिल यही कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, कोई बात नहीं। अरे दीपक जी सर, इधर आओ जरा। हाँ जी सर। ऐसे करो जी सर, इसे थोड़ा सा गर्म करो, ये ऐसे नहीं मानेगा। सर जी कॉल डिटेल आ गई उसकी, लाओ दिखाओ। नीरज बाबू ये नंबर देखिए। सर ये नंबर मेरा नहीं है, ये नंबर तो मेरी बीवी का है। शाबाश, है तो तेरे घर का ही नंबर ना। मुजरम चाहे कितना भी चलाक हो, वो कानून से नहीं बच सकता। अरे कानून एक ना एक दिन उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है, समझे? जुर्म कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, जुर्म जुर्म ही होता है। जुर्म करने वाला कभी कानून से नहीं बच सकता। आखिर पुलिस ने नीरज के साले और नीरज की बीवी को सलाखों के पीछे धकेल दिया। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि जुर्म और आपके बीच बस थोड़ा सा ही फासला है। हमारा मकसद किसी को डराना या धमकाना नहीं, सिर्फ आपको सतर्क करना है, सावधान करना है। हम क्राइम कंट्रोल के नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।